वो आज आपके सामने है। तो सब जो नवनियुक्त अध्यक्ष गण, आप कंधे से कंधे मिलाए और विशेषकर पिछड़ा प्रकोष्ठ पे और वीरेंद्र, जय भारत। और सामने बैठे सभी अध्यक्ष हैं, हमेशा कहता हूं कि कोई भी पद बिना दायित्व के नहीं आता है। आपको पद मिला है तो निश्चित रूप से उसके साथ दायित्व जुड़े हुए हैं, आप उन दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और आज ही आपको पद मिला है और आज ही आपके ऊपर एक सबसे बड़ा दायित्व ये आता है कि जब 2014 का कैंपेनिंग चल रहा था और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी, तो उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था कोयला घोटाला। और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इसमें क्लीन चिट मिली है, तो अब आपके ऊपर दायित्व है कि जिन अधिकारियों ने चिट्ठी लिखकर इस घोटाले को उजागर किया था, जिस अरविंद केजरीवाल ने और अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर इसके विरुद्ध धरना दिया था, और जो जो लोग इसमें शामिल थे और इसका सबसे बड़ा लाभ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने लेकर सत्ता में आई थी, झूठ के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान में राज हथियाया था, जिस तरह ब्रिटिश साम्राज्य व्यापार करने आया था और उन्होंने साम्राज्य हथियाया था, ठीक उसी प्रकार एक ऐसा घोटाला जो हुआ ही नहीं था, जिसका अस्तित्व ही नहीं था, उसके आधार पर कांग्रेस और हम इतने आदर्शवादी कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, और श्रद्धा और बढ़ जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज प्रधानमंत्री रहे हो या ना रहे हो, लेकिन जब आज उन्हें क्लीन चिट मिली है तो दिल में उनके लिए श्रद्धा और बढ़ गई है कि वो व्यक्ति चाहता तो आज के जो नेता होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं घोटालों में और दावे करते जब तक के उनके राज पास नहीं होते, बिल्कुल सफेद उनका झूठ सामने नहीं आता, जब तक के वो झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहीं पे भी अपना खुद का बचाव नहीं किया, उन्होंने वक्त पर और कानून पर इस चीज को छोड़ा, जिसका आज नतीजा है। और ये इस बात को साबित करता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बने रहने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि भारत की आवश्यकता थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र सिंह जी मोदी, इनको गौरवित करता है वो पद जिस पर वो आज बैठे है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो थे जिन्होंने उस पद को गौरवित किया है। तो आज आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, मैं हमारे वरिष्ठ लोग हैं, मैं अपना एक सिर्फ राय दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कि क्यों ना जिले में एक अलग जगाई जाए और इसमें जितने भी इन्वॉल्व थे, जिसने चिट्ठी लिखी थी और कोयला घोटाला ओपन किया, जिस अधिकारियों ने इसकी जांच की, अरविंद केजरीवाल ने इसको प्रमुखता से उठाया, अन्ना हजारे जी ने इसको प्रमुखता से उठाया, और कांग्रेस की एक जो स्थिति थी वो धूमिल की, क्योंकि वो सत्ता में थे, वो सत्ता में रहकर अगर किसी पे घोटाले का आरोप लगता है तो निश्चित रूप से उन्हें नैतिक आधार पर उसकी जांच नियमित रूप से हो, इसलिए उन्होंने डिफेंस किया उसको। अब हमें चाहिए कि इन सब लोगों के पुतले सामूहिक रूप से हर चौराहे पे, हर शहर में, हर नगर में चलना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा झूठ फैलाया जिसने एक ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंका, जो सत्ता निरंतर राष्ट्रहित में काम कर रही थी, जो सत्ता निरंतर देश को विकास की ओर ले जा रही थी, जो सत्ता निरंतर हर व्यक्ति का विकास कर रही थी, वो सत्ता को सब्सिडी पे 400 रुपए का गैस सिलेंडर दिला रही थी, वो सत्ता जो 63 रुपए में पेट्रोल उपलब्ध करा रही थी, वो सत्ता जो हर घर विकास करा रही थी, जो हर घर खुशहाली का कारण, वो सत्ता जो MSP की गारंटी देती थी, वो सत्ता जो किसान के वोटों पर मुस्कान थी, उस सत्ता को एक झूठ के बल पर जिन लोगों ने उछाला है, उसका आज हिंदुस्तान विरोध करता है, और हम चौराहों पर इन झूठे लोगों के पुतले जलाए जाना चाहिए, ये कांग्रेस की आज नैतिक जिम्मेदारी है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आपका सम्मान होगा, ये मनमोहन सिंह जी के लिए आपका दायित्व बनता है कि आज उनके सम्मान में हम खड़े हैं और बताएं कि हमारे नेता सच थे, हमारे नेता सत्य पर थे, आपने झूठा आरोप लगाया, आज वो झूठा आरोप झूठा साबित होता है तो हमारे दिल में उनके लिए सम्मान बढ़ जाता है, और तुम झूठे के हर चौराहे पर हम पुतला जला रहे हैं और ये रावण दहन कर रहे हैं हम झूठों का, ये हमारी शहर से जिम्मेदारी उठाए हमारे जिम्मेदार लोग, ये मेरा सुझाव है। उसके अतिरिक्त जो कांग्रेस की संगठनात्मक बात है, इसलिए मैं एक दो बात कर रहा हूं, ये झूठ थे लेकिन आज सत्ता में है, ये गलत थे लेकिन आज ये सत्ता में है, ये लोग विपक्ष में थे, बहुत कमजोर विपक्ष था इनका, लेकिन आज ये मजबूत सत्ता में बहुत मजबूती से काबिज है, लेकिन इसका उलट कांग्रेस के साथ हुआ, सत्ता में होते हुए भी आज इतनी कम तादाद में निपट
सिमट गई है, उसका मुख्य कारण यह है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में अनुशासन की कमी दिखाई दी है। अगर आपको फिर से सत्ता में आना है और इस राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो आप निश्चित रूप से आपको अनुशासित होना अति आवश्यक है, आपको अनुशासन के तंबू में बनना होगा। आज कांग्रेस की हार का, कांग्रेस की हर जगह परेशानी का सबसे मुख्य कारण है कि कांग्रेस में अब कार्यकर्ताओं से ज्यादा नेता बचे थे। अगर आपको कांग्रेस को जिंदा जिलाना है, कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना है और वापस अपना खोया हुआ सम्मान पाना है तो आपको एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में काम करना सीखना होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखिए आप, उन्हें पता है उनका नेता झूठ बोल रहा है, उन्हें पता है कि उनके घर में 1000 का गैस सिलेंडर आ रहा है, उन्हें पता है कि 117 रुपए का पेट्रोल डला रहा है, लेकिन फिर भी वो इतने अनुशासित है कि उनके नेता के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, वो इतने अनुशासित है कि उन्हें जहां बुलाया जाता है वहां दरिया बिछाने के लिए तैयार होते हैं, जब उनका नेता आता है तो उन्हें मंच और पब्लिक तैयार मिलती है। और हमारा ये विपरीत कारण है कि यहाँ नेता पहले आ जाते हैं और कार्यकर्ता जो होते हैं वो कहीं अपनी सेवा देने के लिए तैयार नहीं है। कार्यकर्ता सिर्फ मंच पर बोलने के लिए नहीं होता है, जब कार्यकर्ता खून पसीना बहाता है तो फिर ये नेता बनते हैं, और जब ये नेता बनते हैं तो राष्ट्र का सम्मान होता है और राष्ट्र का विकास ये कर पाते हैं। इसलिए अगर आप आपके समर्थकों को अगर आप बड़ा नेता बनाना चाहते हैं, आप कांग्रेस का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना चाहते हैं, तो पहले आपको एक कार्यकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता बनना आवश्यक होगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। तो मैं आज हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, उनको चरणों में नमन करता हूँ। और दूसरी ओर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्म दिवस है, उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। आज हम अतिथियों को बताना चाहता हूँ कि हमने आज हम 20 से 25 गांव में पिछड़ा वर्ग के माध्यम से हमने टीम बनाने का एक शुरुआत कर दी। हम आगे भी पूरे विधानसभा में इसकी शुरुआत करेंगे। और सर्वप्रथम तो जो भी आज अध्यक्ष बने उनको मैं बधाई भी दूंगा, और आपका एक कर्तव्य ये रहेगा कि आपको आगे से लेटर लेके घर नहीं बैठना। आपको आप जिस फलाने गांव में व्यक्ति में आपको अध्यक्ष बना है कि किसी को नीनावट खेड़ा का अध्यक्ष बना दिया, किसी को सोमचिड़ी का अध्यक्ष बना दिया है, किसी को अलसी का अध्यक्ष बनाया है, तो आपको उस गांव की समस्या को लेकर आगे आना है और उठना है। गांव में बहुत सारी समस्या है, पानी की समस्या है, एक ही किसानों की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या क्या है, पटवारियों की समस्या, क्योंकि पटवारी की समस्या हर व्यक्ति के पास है, अधिकतर लोग किसान से ही जुड़ा है। तो आपको ये निरंतर कार्य करता है तभी अपना संगठन मजबूत होगा, क्योंकि संगठन सिर्फ कार्यकर्ताओं का जनसमूह नहीं है, कार्यकर्ताओं की भावना का एक मंदिर है, और आपको उस मंदिर को संवारना है। क्योंकि अगर एक पत्थर संगठित होता है तो बहुत बड़ा भवन बन जाता है, अंग जब संगठित होता है तो शरीर बन जाता है, और शिक्षक जब संगठित होता है तो महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय बन जाते हैं। तो आप संगठित होंगे तो आप जब संगठित होंगे तो फिर कौन उसको क्या हरा पाएगी, कांग्रेस को क्या हरेगी अपनी कांग्रेस, लेकिन संगठन चीज आपको होना है। क्योंकि नेता कभी चुनाव नहीं जीतता है, चुनाव जीतता है तो कार्यकर्ता, कार्यकर्ता ही नेता को चुनाव जिताता है। तो आप वो ताकत, आप वो ताकत हो कि हम आप मंच पे बैठे, आपकी ताकत की वजह से, आप नहीं होते तो हम मंच पे बैठते क्या। तो ये आपको मजबूत होना पड़ेगा। आप अगर बिनावट खेड़ा का कोई अध्यक्ष बना है तो पास का गांव में अलसी, पास का गांव में कलसी, पास का अटलावदा गांव में, अटलावदा में कौन अपना भाई है, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा कि भाई फलाने व्यक्ति को, हमारे अध्यक्ष को, हमारे जो पिछड़ा वर्ग के अनिल भाट, उनको बोलना है कि भाई उनको भी अध्यक्ष बनाना है पिछड़ा वर्ग का, तो अपन संगठित होंगे। वरना ये काम नहीं कि आप बैठ जाओगे घर, 20-25 जनों को बना दिया। और दूसरा मैं अतिथि को बोलना चाह रहा हूँ कि हम पिछले 1.5 महीने में ये 5वीं से 6वीं बार मिल रहे हैं, किसी विधानसभा में कहीं नहीं हो रहा है भाई, भसम पंडित जी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में 6वीं बार आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे भाइयों, कहीं किसी विधानसभा में जिले में नहीं हो रहा है। तो इस तरह का हम कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कम है कि हम ज्यादा है, आप तो सब दूध में से निकले हुए क्रीम हो भाइयों, तो आप तो क्रीम होगी, सब दूर फैल जाओगे तो पूरे शरीर पर लग जाता है छोटा सा क्रीम, तो आप वो चीज हो, आपको खुद को समझना है, खुद को मजबूत होना है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। अभिनंदन करता हूँ, जैसा कि मेरे साथी कमल आर्य ने अभी बताया कि हम पिछले 1 महीने में 5वीं 6वीं बार 100-100, 50-50 और 400-400 लोगों के कार्यक्रम यहाँ पे कर चुके हैं। हमने कार्यक्रम की एक भूमिका बनाई थी कि सबसे पहले चेतन भाई का जन्मदिन था, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में पहले कार्यकर्ता सम्मेलन रखा, उसके बाद चेतन भाई ने जन्मदिन के हार पहनना चालू करे,
उसके बाद कमल आर्य जी का जन्मदिन था, हमने ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, शहरी क्षेत्र के हमारे साथियों को बुलाया, कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मेलन करा, उसके बाद बिजली के बिल की बोली नहीं, बिजली के बिल की नहीं, महंगाई और इसके खिलाफ थाने पे प्रदर्शन करा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। उसके 10 दिन बाद वीरेंद्र मालपानी का जन्मदिन था, हमारे सभी साथी आए, हमने महंगाई के बिजली के बिल के पुतले जलाए। उसके बाद कन्या पूजन का यहाँ पे कार्यक्रम करा कमल आर्य जी के नेतृत्व में। उसके पश्चात अभी 2 दिन पहले आजाद सर मौजूद है, यहाँ पे गुरु भाई मौजूद है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, अल्पसंख्यक विभाग का कार्यक्रम करा, और जहाँ पे 10 वार्ड है, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य वार्ड है, वहाँ पे वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति करी। उसके लिए मैं मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे उस कार्यक्रम को प्रमुखता से जगह मिली समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का हमने कार्यक्रम रखा और उन्हीं लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया जिन लोगों की नियुक्ति होना है। उसके अलावा हमारे 10-15 साथी जिन लोगों ने उन गाँवों में हमारे को पहुँचने में मदद करी, उन लोगों को तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, पप्पू गोयलिया जी का, कन्हैया गुजर जी का, श्रवण सोलंकी का, कि इन सब लोगों ने, अशोक गनावत जी का, कि इन सब लोगों ने गांव में पहुँचाने में हमारे को मदद करी। मैं एक बात खुले रूप से स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस के कार्यक्रम करने के लिए कांग्रेस का कोई सा भी मोर्चा संगठन वर्तमान में सक्रिय नहीं। मैं नागदा काचरोत की बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठनों का विस्तार करती है, उनके जो भी नेता है उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाने के लिए वो एक पखवाड़ा डिसाइड करते हैं, 7-7 दिन तक वार्ड स्तर पे प्रभारी बनाकर वो कार्यक्रम करते हैं। वो सिस्टम हम कांग्रेस में भी लाने का प्रयास इस नागदा काचरोद में करेंगे, पर उसके लिए अगर मुझे आप जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, हमारे साथियों को आप जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, आदरणीय पटेल साहब आपके भी सहयोग की, देवगढ़ भी आपके भी सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि हमें कई पद लेने में बड़ी जोर अजमाइश करना पड़ती है। मेरे को नागदा का एक छोटा सा अध्यक्ष बनाने के लिए भोपाल तक बड़े वो करने पड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी कई लोग हैं जो शिकवा शिकायत करके ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने जिसको कांग्रेस में पद दिया वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी क्यों अभी वर्तमान में कांग्रेस का पदाधिकारी बनेगा जब बीजेपी की सरकार है? तो आप लोगों की दिल्ली भोपाल तक अप्रोच है, आप लोग बड़े नेताओं के सामने हमारी बात रखें कि हम लगातार कांग्रेस संगठन का विस्तार करने में लगे हुए। कांग्रेस 2023 में ना मेरे को टिकट दे रही है ना कमल आर्य को टिकट दे रही है, जिनको दे रही है उनको ही चुनाव लड़ना है। और मैं सबको कहता हूँ कि पूरी ताकत से ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो भी 2023 में कांग्रेस से टिकट लाएगा और चुनाव लड़ेगा, हम और हमारी टीम, हमने जिनको भी पदाधिकारी बनाया वो कांग्रेस का काम करे। कांग्रेस संगठन का विस्तार करने के लिए हमारे मन में कोई ये भावना नहीं है कि हम कांग्रेस संगठन का विस्तार करें और जो 2023 में चुनाव कांग्रेस चल रहे उसकी खिलाफत करें। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, अगर वो पदाधिकारी नहीं भी है और उसकी विचारधारा कांग्रेस की है, तो कांग्रेस से जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े उसका काम पूरा तन मन धन से हमें करना है। हमारा पूरे क्षेत्र में दलित वर्ग की सबसे ज्यादा संख्या है, उसके बाद ओबीसी वर्ग की संख्या है। तो आज हमने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का कार्यक्रम करा है, तो नागदा काचरोद विधानसभा में 83 पंचायत और 136 गांव है। नागदा काचरोद विधानसभा में 2 तहसीलें हैं, एक नागदा तहसील है और एक काचरोद तहसील है। नागदा तहसील में 36 गांव आते हैं और काचरोद तहसील में, विधानसभा वाइज बता रहा हूँ, नागदा तहसील में 36 और काचरोद तहसील में 100 गांव आते हैं हमारी विधानसभा के। तो नागदा तहसील का ब्लॉक अध्यक्ष आपने हमारा मनोनीत कर रखा अनिल भाट को, तो उनके माध्यम से आज 15-20 गांव में, ऐसे तो 25 गांव के अध्यक्षों के हमने लेटर बनाए, पर कई लोगों की अभी चूंकि ठीक है, हो सकता है उनके घर में बीमारी भी और खेती पे भी जाना, पर कांग्रेस की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कभी किसी कार्यक्रम का बोलो तो कि बिजली का टाइम ये है, कई कार्यकर्ता बोलेंगे आज मुझे अस्पताल में जाना है, किसी को मोसर में जाना है, किसी के गांव में कार्यक्रम है, तो जिस दिन कांग्रेस का कार्यक्रम रहता उसी दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कार्यक्रम बच जाता। वीरेंद्र भाई ने बोला, कमल भाई ने बोला, आजाद सर ने बोला
कि आपको दिन भर नहीं देना है, महीने में एक बार हम कार्यक्रम करते हैं, दो घंटे के लिए आपको बुलाते हैं, तो दो घंटे के लिए तो आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जब कोई कार्यकर्ता बनता तो उससे दरी बिछवाते, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता जी आज तक काम ही नहीं लिया, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता दरी बिछाना भूल गया, कुर्सी बिछाना भूल गया। आज हमने कुर्सी बिछाने के लिए किसी 150 रुपए देके किसी आदमी को नहीं रखा। आज मैंने, बिट्टू ने और दिलीप पत्रोड़ ने और चेतन भाई ने, हम चारों ने कुर्सियां भी लगाई, ये दिलीप उदाहरण है, और कुर्सी के कपड़ा भी मैंने, बिट्टू और दिलीप ने लगाया। मैं चाहता हूँ कि कार्यकर्ता बहुत छोटे स्तर पे जाके काम करे, वो अपनी जवाबदारी को समझे कि यार छोटे छोटे कामों से हमारे को मजबूती मिलेगी। और आप लोग अपने गांव में उदाहरण प्रस्तुत करो कि यार जब हम लोग दरी बिछा सकते हैं, हम लोग झंडा उठा के चल सकते हैं, तो आपके साथ में दूसरा आदमी भी चलेगा। हमें अभी से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सभी गाँवों में अध्यक्ष नियुक्त करना है। उसके लिए जैसे दिवेल से कन्हैया दा आप आए, तो दिवेल के पास में झिरमीरा है, पुरमुड़ी है, वहाँ पे जाओगे तो अपने आप आदमी मिलेगा। ये चीज में आदरणीय प्रेमचंद जी उर्दू से सीखा, सांसद जी से, जब वो पूर्व सांसद थे तो एक बार नागदा आए तो मैंने बोला भैया आप दो घंटे पहले बताओगे तो भीड़ कैसे भीड़ी होगी, बोले तू तो आ जाना, अकेला आ जाना, भीड़ अपने आप आ जाएगी। तो मैंने उनसे सीखा कि आप एक बार चलना चालू करो। जैसे अभी आज के पहले कमल से मेरी बात हुई थी, यार कमल अपन 31 तारीख को कार्यक्रम कर रहे थे, कमल ने बोला कि नेताजी दिवाली भी है, लोग कई लोग लसन बो रहे हैं तो लोग नहीं आएंगे, उनके यार कार्यक्रम डिसाइड कर लिया तो कर लिया, अभी 31 को करना, दिवाली दशहरे सब अपनी जगह। मैं आप दोनों को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे छोटे से निवेदन पर आदरणीय पटेल साहब ने एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में अमेठी गया था, चंद्रभान सिंह चंदेल भी हमारे साथ गए थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, वो छोटी छोटी माइक्रो मीटिंग लेते थे। उनका कहना था कि अब वो समय गया, जैसे पहले एक आदमी की ताकत रहती थी 200-500 आदमी इकट्ठे करके लाने की, अब किसी की ताकत नहीं बची कि 200-500 आदमी इकट्ठे कर लें, अब 50 आदमी भी आप इकट्ठे कर लो तो आप नेता हो। कांग्रेस की तो वर्तमान में ये स्थिति है कि आप 50 आदमी भी इकट्ठे कर लो तो नेता हो। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस में माइक्रो मीटिंग हो, माइक्रो मीटिंग मतलब छोटी छोटी मीटिंगें हो, और उसके बहाने हम लगातार एक बड़ा संगठन डेवलप कर सके। मेरा पुनः आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी किसी भी समस्या के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। देश में ढेर सारी समस्या है, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, नागदा में तो एक सबसे बड़ी समस्या आत्महत्या की हो गई, बेरोजगारी और नशे के चक्कर में यहाँ के युवा आत्महत्या कर रहे हैं। उसके लिए भी हम आने वाले समय में अभियान चलाएंगे कि युवाओं के बेरोजगारी मिटाने के लिए अभियान चलाएंगे, पर वर्तमान में संगठन की आवश्यकता है। कांग्रेस के लोगों पे लगातार झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, जो कांग्रेस का कमिटेड वोट बैंक है उन जातियों को लगातार परेशान किया जा रहा है, पुलिस द्वारा उन पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग 100-100, 200-200 लोग ले जाके झूठे प्रकरणों के विरोध में प्रदर्शन करते थे और अपने लोगों को छुटा के ले जाते थे। अगर हमारा आदमी सही है तो मेरा कहना है कि हम भी 100-200-500 की तादाद में जाके थाने पे CSP कार्यालय, SDM कार्यालय जाके प्रदर्शन करें, और हमारे किसी आदमी को झूठे प्रकरण में वहाँ पे बंद किया है तो हम छुटाएंगे। पर कब छुटाएंगे? जब हमारे पास भीड़ होगी। तो एक उदाहरण है ना कि संघ शक्ति कलयुग है, मतलब कलयुग में संगठन ही एक शक्ति है। आप लोगों के पास भीड़ होगी, आप सभी लोगों में भाईचारा होगा, तो आप सब लोग अपने जो भाई जिनको झूठे मुकदमे में फंसाया है उन लोगों को छुटाने में आपको मदद मिलेगी। मैं पुनः यहाँ पर बैठे हुए सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नागदा में 10 अध्यक्ष नियुक्त करे, ग्रामीण क्षेत्रों में हम 25 गांवों के अध्यक्षों के लेटर तैयार हैं, लेकिन जो आए उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, और जिन लोगों को भी ये नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आपके पास के गांव में, अब आजकल लिंक बिजनेस चालू हो गया, नेटवर्क बिजनेस चालू हो गया, एक दूसरे के माध्यम से ही हम गाँव में पहुँचेंगे, तो आपके पास के गाँव में जो आपका साथी है, आपके समाज का आदमी है, OBC वर्ग के उन गाँव में नियुक्ति होना चाहिए। गुजर समाज के लगभग गांव में हमारी तहसील में विक्रम भैया आपसे, सॉरी वीरेन भैया आपसे निवेदन है, कन्हैया भैया आपसे निवेदन है, लक्ष्मण दादा आपसे निवेदन है, यहाँ पे मेरे गुजर समाज के जो भी साथी है
विक्रम भैया सिमरोल वाले आपसे भी कि हमारे डाबरी सिमरोल पुरमुड़ी जिरमीरा अलसी कलसी जो भी गांव है इन सभी गांव में बिनावट केला अटलाउदा इन सभी गांव में हमारे को अध्यक्ष नियुक्त करना है। उसके बाद हमारे को दूसरे गांव की तरफ मूव करना है। आने वाली 14 नवंबर को NSUI का भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, उसमें भी जो भी गांव से के लोग यहां पे स्कूल कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं उन लोगों को NSUI से जोड़ना है, NSUI का अध्यक्ष बनाना है। NSUI का विधानसभा अध्यक्ष चूंकि हमारा है और हमने ये सारे पद विधानसभा NSUI का अध्यक्ष हम किसी की मेहरबानी से नहीं लाए, ये वाला पद तो आपकी मेहरबानी से मिला, लेकिन NSUI का पद हम चुनाव लड़के लाए। कमल आर्य युवक कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष चुनाव जीत के बना, हमारे को तो क्या मेहरबानी से आप लोगों की वजह से ही पद मिलते हैं, नहीं तो बाकी कोई भी आदमी हमारे को पद देने को तैयार नहीं। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे महेश राव जी बड़ी मेहनत करते हैं और मैं चाहता हूँ कि इनको पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष आप अगर मनोनीत करें तो आने वाले समय में इनके माध्यम से शेर अध्यक्ष नाजदा शेर अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का नियुक्त करें। इनकी मम्मी कट्टर कांग्रेसी है, क्षमा भाई मम्मी इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कांग्रेस पार्टी के ही बहुत बड़े नेता रहे हैं उनकी आज जयंती है। एक बार हम दोनों के नारा लगाएंगे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, सरदार भाई पटेल अमर रहे, सरदार भाई पटेल अमर रहे। आज मनाइए, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, आप भी बड़े नेता से जुड़े हुए हैं, ये अपनी बात किसी को बताते नहीं है, मैं कहां खड़ा हुआ हूँ। तो क्या रहता है कि राजनीतिक परिस्थितियाँ काम करती है कि हम जहां काम करते हैं वहां की राजनीतिक स्थितियाँ जैसी होती है, और फिर क्या होता है कि जिस व्यक्ति को वो मौका मिल जाता है तो वो पीर बन जाता है, और जिसको मौका नहीं मिलता है उसको वो क्या समझते हैं कि ये कमज़ोर है। प्रशांत मालपानी जी कोई कमज़ोर नहीं है, पब्लिक लीडर है, पब्लिक में काम करते हैं, यहाँ इनको राजनीतिक कितना फेस करना पड़ता है हम तो उज्जैन में रह के समझते हैं, आप लोग तो सब नाटक। तो मैं धन्यवाद देता हूँ इनको कि इतने सब कुछ पिछड़ा वर्ग का इनको चिंता लगी, अल्पसंख्यकों की चिंता लगी हुई है, युवक कांग्रेस का संगठन की चिंता लगी है। अभी उन्होंने बताया कि जो हमारे अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष हैं, अभी सुरेंद्र मरमर जी हमारे अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करके यहाँ की है, अगर कोई अध्यक्ष नहीं है तो आप जैसा बताओगे ये अनुसूचित जाति का भी हम अध्यक्ष बनवाएंगे। बात करते रहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अब 35-40 सालों से कांग्रेस के काम कर रहे हैं और ऐसा जावा साथी अगर गांव गांव में घूम करके काम कर रहा है और इतने लोगों को इकट्ठा कर रहा है, ये बड़ा आसान काम नहीं है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आज लोगों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है, तो ये इनकी खुद की मेहनत है कि आप सबसे जुड़े हुए हैं और आप सब इनसे जुड़े हुए, तो इनको धन्यवाद देता हूँ। अब हम बात करते हैं पिछड़ी जाति की, जो हमारे को जो मध्य प्रदेश सरकार जब बनी, माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, तो हमें 14% का आरक्षण था हमारे पास पिछड़ा वर्ग। राजमणि पटेल साहब जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने दिल्ली में लोकसभा में अपनी बात रखी थी कि अब मध्य प्रदेश में आरक्षण 27% किया जाए। उसके बाद माननीय कमलनाथ जी से चर्चा हुई, कमलनाथ जी ने बड़ी सहजता से उसे स्वीकार करते हुए, चूँकि मध्य प्रदेश के अंदर हम पिछड़ी जाति के लोग 52% संख्या है हमारी, सबसे ज़्यादा संख्या हमारी OBC की है, कमलनाथ जी ने उसको बड़ी गंभीरता से लेकर और विधानसभा में प्रस्ताव पास करा करके OBC के जितने भी हम समाज के लोग हैं उनने 27% आरक्षण दिलवाया। साथियों, बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथियों ने कहा कि कार्यकर्ता काम नहीं करते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, कार्यकर्ता हमारा खूब काम करते हैं। 15 साल की सरकार थी BJP की, कार्यकर्ताओं ने मिलकर कांग्रेस की सरकार बना दी, कार्यकर्ताओं की सरकार बनी।
क्या ये नागदा खाचरोद का कोई भी कार्यकर्ता सरकार गिराने भोपाल गया था? क्या कोई नहीं गया था? सरकार किसने गिराई? आप सब समझते हो, ये बड़े नेताओं की लड़ाई में, बड़े नेताओं की लड़ाई में हम कार्यकर्ता मर गए और 15 महीने की सरकार हमारी चली गई। आज जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई, आज हम ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार हमारी नहीं बनी? आज हम कई जगह से कई बार हमारे फेस करना पड़ता, भैया हमने तो सरकार बना दी थी, अब तुम्हारे विधायक और तुम्हारे नेता दिखे, हम क्या करें? चलिए ये बड़े लोगों की बात है, लेकिन हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता 15 साल के बाद बहुत ताकत से काम मिलेगा और विशेष रूप से हमारे जितने भी ग्रामीण साथी बने, हमारी सरकार ग्रामीण कार्यकर्ताओं की वजह से बनी है, इसलिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे मध्यप्रदेश के अंदर पूरा मध्यप्रदेश का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो हमारी सरकार शहर से नहीं बनी है, हमारी ग्रामीण क्षेत्रों से ही सरकार बनी है। तो अब मैं आपसे छोटी छोटी बात करना चाहता हूँ कुछ, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, आपको लड़ना, जिन्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हम ओबीसी लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, आप अपने गाँव में जाएं। अभी जैसा कि वसंत मालपाड़ी जी ने कहा कि छोटी छोटी सभाएं, बिल्कुल सही बात, आपको नुक्कड़ सभा करना पड़ेगी। अभी हमारी ओबीसी की कमलनाथ जी ने मीटिंग बुलाई थी केवल जिला अध्यक्ष और अध्यक्षों की, कमलनाथ जी ने दो टूक बात, हमारे यहाँ कार्यकर्ता बोले मंडल अध्यक्ष कौन? अब मंडल अध्यक्ष को बना दिया, मंडल अध्यक्ष जिसको बनाया वसंत मालपाड़ी जी, उसको बताया नहीं मेरे को बनाया कि उसको किसी नेता ने रिकमेंड कर दिया चमचे को उसको बना दो। तो कमलनाथ जी स्पष्ट कहा कि मैं कई बार मंडल अध्यक्ष को फोन लगा रहा हूँ तो उसको ये पता ही नहीं कि मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। कमलनाथ जी स्वयं बोले, तो बोले ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है ये खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जो भी गठन करने जा रहे हैं, नुक्कड़ सभा करें, टी पार्टी करें, चाय पे 10-20 लोगों को बुलाएं, हमारे कांग्रेस पार्टी की बात करें। ये भारतीय जनता पार्टी चट्टे करते क्या हैं कि भेड़िया झाड़ के नीचे, और एक बात को चार बार बोलते हैं, झूठ बोलते हैं वो, और झूठ को सच करने की ताकत रखते हैं, और हम सच बात को भी सच नहीं बता पा रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन यही है, आप लड़ें, आपका बहुत काम है अभी, क्योंकि हम विपक्ष में आ गए, सरकारी में हमारी है ही नहीं, तो लड़ने की ताकत है आपके पास, गाँव में जाएँ, जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, राशन कार्ड बनवाएं, विधवा पेंशन दिलाएं, परिवार सहायता राशि दिलाएं, तो ये गाँव में आपको करना पड़ेगा, तब जा कर के आप हमारी बात, हम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और वसंत मालपाड़ी जी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि ये मीटिंग इस बार यहाँ होगी, लोकेश भाई, दिलीप भाई, अरे साहब, ये मीटिंग अगली बार अपन किसी गांव में करें, हम गांव में करें, तो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी आवाज़ पहुँचे, गांव के लोगों को हम शहर तो बुला रहे हैं, अब हम गांव की ओर भी हम चलें, जहाँ से हम जीत के आते हैं, जहाँ से हमारी सरकार बनती है। बहुत मेहनत कर रहे हैं वसंत मालपाड़ी जी, दिलीप भारे जी, योगेश शुक्ला जी वगैरह सभी लोग और इनकी पूरी टीम, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस काम के लिए, और जिन्हें जिम्मेदारी मिली है आप लोग ताकत से काम करें, सब अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, किसी को भी कोई समस्या हो, चाहे थाने की समस्या हो, तो एक साथ इकट्ठे हों, हम लोगों ने ऐसे कर रखा भैया, 100-150 लोगों की पूरी टीम बना रखी है, कोई भी समस्या आती है खबर करते हैं, 100 में से 50 लोग ही आ जाते हैं, तो 50 में 50 लोग भी आ गए तो थाने पर हम बहुत भारी हो जाते हैं। साथियों मेरा निवेदन है, सब मिलजुल के काम करें, जय हिंद। कोई मरवाने वाली बात नहीं है, आपने अच्छे, हमें भी तो आप अच्छा मंच मिल रहा है, एक जिला अध्यक्ष बना के हमसे ओबीसी से जोड़ रहे हैं ऐसे ही, और चौधरी बाहुल्य क्षेत्र से अपन यहाँ पे लाइन करते हैं, तो मैं अपने आप को कमज़ोर समझ रहा था, पर आप कमज़ोर नहीं समझ रहे, तो अपने मंच पे अपने साथ है, तो अपन यहाँ पे भी बहुत भारी रहेंगे, इनके मार्गदर्शक नेतृत्व में अपन बहुत कुछ करेंगे। आदरणीय देवव्रत यादव साहब ने बोली है कि हम गांव में जाके मीटिंग में इनकी बात का समर्थन करता हूं, आप जहां बुलाएंगे वहां हम आएंगे, हम नहीं देखेंगे 100 किलोमीटर अंदर बुलाए, 50 किलोमीटर अंदर बुलाए, बड़े जनता और भीड़ से कभी मैं करूँगा कि अपने को भीड़ इकट्ठी करना, भीड़ से कुछ नहीं होता है, पूरी महाभारत में कृष्ण थे अर्जुन के साथ, अकेले ने महाभारत जीता दी है, कुछ भी नहीं होता है, अच्छे लोग होना चाहिए, क्रीम लोग होना चाहिए, तो भीड़ तो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी, सब समस्या भी हल होती जाएगी।
ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, उसको छोटा मत समझना कि जिला कांग्रेस से छोटा है, कोई छोटा नहीं। अपने काम करने की गति होना चाहिए, अपनी सक्रियता होना चाहिए। जिला कांग्रेस भी छोटी नहीं है, बड़ी है, उससे अपन सब जुड़े हुए हैं। अपने प्रदेश अध्यक्ष है, आपको तो जानकारी होगी बहुत सारे को कि जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो आदरणीय राजमणि पटेल साहब है, जो राज्यसभा से सांसद है। छोटी मोटी पोस्ट होती है, छोटी मोटी जगह वो प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी बनते, तो उनके नेतृत्व में ओबीसी बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी सक्रियता है। आपके नागदा में भी कमल आर्य जी और वसंत मालपानी जी ने जो अनिल भाट जी को दिया है, मैं इनके कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ। जो आपने इतने लोगों इकट्ठे करके, मेरे पास दूसरे भी जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष बना रखे हैं, उनने बहुत सारी जगह बनाए हैं, पर इतनी तादाद में बनाना और ऐसे कार्यक्रम करना, ये इनके बधाई के पात्र है। आपसे यही निवेदन है कि आप जो एक पद लेके जाएं, अपने घर जाएं, तो बैठना नहीं है। विजिटिंग कार्ड बनाए, अपने परिचय पत्र बनाए, किसी भी समस्या हो, तहसील हो, थाना हो, विद्युत मंडल हो, वे कहते कार्ड को चाहिए, अधिकारी को पहले से मालूम पड़ जाए भाई पदाधिकारी, उससे बात करिए, वहाँ के लोग बाकी समस्या हल कराइए। कोई भी दिक्कत आए तो आपके नागदा में वसंत मालपानी जी बैठे, इनसे बात करिए। और भी कोई दिक्कत आए तो उज्जैन में माननीय देवव्रत यादव जी और हम बैठे हैं, हम आपके साथ हैं। आदरणीय योगेश जी भाई साहब, दिलीप पाठेड़ जी, सभी आपके साथ हैं। जहाँ भी चलना हो, कोई थाने कचहरी का काम पड़ जाए, तो अपन सक्रियता रहेगी तो अपन आगे, आप जितने सक्रिय रहेंगे इतने आप भी नेता ऊपर के आएंगे, आपका भी नाम चलेगा। बहुत सारे नाम जोड़ने के लिए एक ब्लड ग्रुप बना लीजिए आप, बहुत सारे हॉस्पिटल में दिक्कत आती है डिलीवरी टाइम, खास माता बहनों को, जिसको एक बार आप ब्लड देके आ गए हो जिस परिवार को, वो जिंदगी भर आपका ऐसा नहीं भूल सकता। तो व्हाट्सएप एक ग्रुप बना लीजिए, किसी को ओबीसी जो भी उनको लगे, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, अपने जोड़ने का तरीका है। आपको छोटी छोटी जगह से आप बहुत भारी पड़ जाओगे, आपका नाम भी चलेगा और आपका एक सेवा भी होगी उस माध्यम से। तो यारी दोस्ती के लिए बहुत सारा है। टी पर अभी आदरणीय देवव्रत यादव जी ने बोला कि आप नुक्कड़ सभा करिए, चाय टी पार्टी रखिए, ज़्यादा कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, मतलब 10 जने बिठा ले, 10 जने को चाय पिला दी, बातचीत कर ली, अपनी पार्टी की बात करी, अपने जो आए दिन आप पेपर और मीडिया में देखते ही हो, इनके कारनामे की बात करी, बीजेपी जो करती आ रही है। अपने पास तो बताने के लिए इतने हैं कि अपने पास तो 24 घंटे का 365 दिन कम पड़ जाए इनकी बात बता दी। सब तो भेज दिया, क्या छोड़ा इनने? एयरपोर्ट भेज दिया, BSNL भेज दी, सब रेलवे भेज दी, हॉस्पिटलों के पलंग कोरोना के टाइम भेज दिए, इंजेक्शन भयंकर कितने 899 रुपये का इंजेक्शन था कोरोना में जो लग रहे थे, 899 रुपये का मात्र, उसको 50-50 हज़ार 75-75 1.5-1.5 लाख 1.25 लाख रुपये मैंने ही दिलाए, मेरे रिश्तेदार को क्या करें, मरते तो क्या करें। तो हॉस्पिटलों के पलंग, हमारे हॉस्पिटल के पलंग बेचते थे कोरोना के टाइम, जितना पैसा इनने विधायक को खरीदने में दिया सब पैसा निकल गया कोरोना में, 3 महीने 2 महीने में सब पूरा पैसा निकल गया, सब बेच दिया। पेट्रोल के भाव का है, डीजल के भाव का है, अरे अपन तो 100 करोड़ जाते सारी टंकी उभरा देती थी वो गाड़ी की 100 रुपये में, और 100 रुपये में 1 लीटर भी नहीं आ रही। डीजल के भाव, गैस की टंकी के भाव क्या है, अपनी माता बहनों को कितनी दिक्कत आ रही है। तो अपने पास बहुत सारे मुद्दे हैं, अपने को बताने के, तो अपन बता नहीं पाते। तो बीजेपी के लोग क्या करते हैं, जोर से बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, तो उनकी बात पे सब विश्वास कर लेते हैं। अपना कोई ग्राफ नहीं गिरा है, अपने को तो बेईमानी से सरकार हटी है, फिर आया मौका, अभी खरीद के कर लिया, फिर तो मतदान का ही काम है ना, वोटिंग तो मतदान करेंगे, पर वोटिंग मतदान जब करेंगे, जब आपकी सक्रियता रहेगी, आप घर घर संबंध बनाएंगे, घर घर जाएंगे, तो वोट जब जल के निकाल पाएंगे ना, जब कांग्रेस तरफ उनका मोड़ करना पड़ेगा। ये क्या झूठ बोल के हवा फैला देते हैं। खाद देख लो, अपना खाद की बोरी अपनी जो 1200 रुपये मिल रही है वो 1800-1900 रुपये भी हो गई काम, फिर भी नहीं मिल रही। बिजली की बात करें अपन, ये बिजली गई हुई अभी आपके सामने ही बात है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इनको तो निपटाने के लिए आराम से निपटा सकते हैं, पर निपटा जब सकते हैं कि अपन इनके घर घर पहुँचेंगे। तो आपके जो बन रहे हैं, आपके माध्यम से इनकी बात तो घर घर पहुँचेगी। फिर एक बार मैं अनिल भाट साहब और बसंत मालपानी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे सक्रिय कार्य करा आपने, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे जैसा कोई भी काम हो आपके लिए, आधी रात को दरवाजे खुले हैं, मेरा मोबाइल 24 घंटे चालू है, कभी भी काम हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथी लोग आते हैं, इनके लिए आप कोई गाड़ी घोड़े नहीं बेचते, ये खुद अपने जेब का 50 रुपए का 100 रुपए का पेट्रोल इस महंगाई के दौर में भी
जबकि 15-20 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो आपको पता है कि कार्यकर्ता ने कोई सत्ता का मजा भी नहीं लिया, कमा भी नहीं पाया, फिर भी 5,500 रुपए का डीजल ये इनके मोटरसाइकिल खुद लेके आते हैं और खुद यहाँ पे आते हैं। तो एक बार जोरदार ताली मंच के अगला नाम बोलते अर्जुन जी लाखा। सब जने जो बने हुए ना उनको हार पहन पार्टी छोड़ा से जगदीश जी प्रजापति पार्टी छोड़ा से आ ना जगदीश जी रसोड़िया से विमल जी आना से मान सिंह जी गुजर साहब भगतपुरी से यशवंत चौधरी सिमरौल से विक्रम जी गुजर विक्रम दादा आओ रामेश्वर जी गुजर विक्रमपुर से दशरथ सिंह जी गुजर से राकेश जी गुजर Thank you.